और हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी में प्रदेश महासचिव के पद पर थे और आज उस पार्टी से भी मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ और जनता भगवान का कहना है आपको लड़ना है और हम लोग जिताएंगे और हम लोग कोसी सीमांचल के लिए लड़ाई लड़ेंगे और भविष्य में होगा तो हम लोग नया पार्टी यहाँ बना के अपना सीमांचल और कोसी प्रमंडल का विकास करने का आवाज उठाने का। नामांकन के लिए कर रहे हैं? नामांकन 20 तारीख कर रहे हैं। अच्छा, लोजपा से कोई बात चली इस मामले को लेकर, टिकट को लेकर? पूर्व में आपने वहीं से उम्मीदवार टिकट हमको जब से राजनीतिक में पैर रखे हैं उस दिन से लोजपा में हैं और 15 में हमको टिकट नहीं मिला तो हम निर्दलीय लड़े, फिर भी किसी दल में हम नहीं और फिर अब की बार गठबंधन का मजबूरी हो जो हम चिराग पासवान से बात किए तो लगना है जदयू का सिटिंग सीट है, मुख्यमंत्री जी नहीं मान रहे हैं, कोई बात नहीं हम चुनाव लड़ेंगे सर और निर्दलीय लड़ेंगे, हम दल से भी त्याग पत्र दे देंगे और जनता मालिक का आदेश हुआ हम चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है जीत को लेकर कितने आश्वस्त दिख रहे हैं आप? देखिए वो तो जनता मालिक के ऊपर है और जनता सर्वोपरि है और जीत सब तो जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए कोई नहीं लड़ता है, हम भी चाहेंगे कि जीत सुनिश्चित। अच्छा, मुद्दा क्या होगा इस बार आपने? मुद्दा मेरा यही होगा कि विकास, अपराध पर नियंत्रण, किसी तरह का छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी उसका मैं सुरक्षा देने का काम करूंगा और जीत के जाएंगे तो सदन में यहाँ आवाज उठाएंगे कोसी सीमांचल में जो सदियों से विकास से वंचित है इसका आवाज़ हम लोग बुलंद करेंगे कोसी सीमांचल की बात कर और आने वाला भविष्य में हम अपना पार्टी भी खड़ा कर सकते हैं। चर्चा चल रही थी कि जन स्वराज का भी समर्थन आपको प्राप्त है तो क्या उस बैनर तले भी कुछ आप इस चुनाव में? देखिए हम किसी दल, हम सिर्फ जनता भगवान के ऊपर हैं और किसी दल का ये समर्थन नहीं है, हम जनता मालिक पर निर्भर हैं। जन स्वराज से क्या ऑफर आता है तो आप जाएंगे सर? मैं हम किसी दल में नहीं जाएंगे, हर जाति का समर्थन है और जनता मालिक का आशीर्वाद रहेगा तो जीतने से बनने जाए। हम 25 साल से सेवा करते आ रहे हैं, जब तक जीवन है करते रहे। अच्छा, अभी वर्तमान में उस क्षेत्र में आपराधिक स्थिति कैसी है? वहाँ तो शुरू से आपराधिक स्थिति, जहाँ भू माफिया हो या इधर सूबे के एक व्यापारी का हत्या हो गया तो ऐसे होते रहता है, इस पर हम लोग जीतेंगे तो इस पर अंकुश लगाएंगे। देखिए हम लोग जातिवाद पर विश्वास नहीं रखते, हर जाति का समर्थन है, हम लोग जातिवाद पर कोई भी जाति हो किसी धर्म का हो सबको हम मदद करते हैं, हॉस्पिटल हो या किसी भी मामले ब्लॉक हो, जमीन मसला हो, सब पर हम मदद करते हैं, कोई व्यापारी है किसी के साथ दिक्कत होता है तो उसके लिए हम 24 घंटा तैयार रहते हैं। देखिए हम हमारे प्रति पूर्व विधायक श्री शंकर सिंह जी के आशीर्वाद से जो है 2011 से राजनीतिक में आए हैं और जब जब चुनाव लड़े हैं हर बार सफलता मिला है, कभी निराश नहीं हुए। 11 में लड़े तो जिला परिषद उसी चिरुपोली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने पूरे बिहार में रिकॉर्ड मत से मुझे जिला परिषद के रूप में चुने। उसके बाद 2013 में जो है मुझे जिला परिषद की अध्यक्ष भी हो, यहाँ के जितने 14 प्रखंड के सम्मानित हमारे जिला परिषद से सभी ने मुझे निर्विरोध जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में चुना। उसके बाद 2016 में जो है वार्ड में, वार्ड नंबर 5 में जहाँ मेरा घर है यहाँ से हम वार्ड में भी अच्छा मत से हम चुनाव लड़े और जीते। फिर 2021 में भी हम क्षेत्र संख्या 05 से हम नहीं लड़े, हमारे 05 की जनता लड़ी, वहाँ से भी एक मजबूत दावेदार कैंडिडेट थी और चेयरमैन भी थी, वर्तमान में जिला परिषद की अध्यक्ष थी क्रांति देवी जी, वहाँ से मुझे चुनाव लड़ाया गया जनता के आशीर्वाद से और पूरे बिहार में रिकॉर्ड मत से मैं जिला परिषद के रूप में चुन के आई। बहुत ही मजबूती से यहाँ पे पूर्णिया जिला में जो जिला परिषद का अध्यक्ष का जो चयन हुआ उसमें भी पूर्व विधायक श्री शंकर सिंह जी का बहुत अच्छा रोल रहा, जो हमारे मुस्लिम बिरादरी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, हमारे गुलाम सरवर भाई, उनकी वाइफ वाहिदा सरवर हमारी बहन, उनको हम लोग बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम किए और मदद किए और वो जीती और हम लोग जो है हर हमेशा पति पत्नी हमारे रुपोली के जनता तमाम हमारे भगवान समान जनता
जो भी हम लोग को आदेश करते हैं, हमारे पति अगर पटना दिल्ली भी रहते हैं तो हम किसी को अगर डेट हो जाता है, पोस्टमार्टम नहीं होता है, तो हम लोग जा करके वहाँ पे सिविल सर्जन हो या डॉक्टर से काम कराने का काम होता है। रात में अगर डॉक्टर नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग स्वयं जाते हैं, जिस अवस्था में रहते हैं हम जा करके मदद करते हैं। शिक्षा विभाग में अगर डी ओ साहब से कोई काम रहता है तो हम लोग जा करके काम करते हैं, सी ओ साहब से, बी डी ओ साहब से। हम लोग अपना जो हम लोग का जन सेवा होता है, हम लोग उसमें 24 घंटा तट पे रहते हैं। विधायक जी एक बार 2000 से चुनाव लड़ रहे हैं, जब जेल में थे तब से इनका चुनाव दौड़ चल रहा है, संघर्षमय जिंदगी चल रहा है। हारते भी हैं फिर भी हौसला नहीं हारते, इसलिए कि हमारे पास जनता का समर्थन है। 2015 में चुनाव लड़े निर्दलीय, 35,000 वोट लाए निर्दलीय, इंडिपेंडेंट लड़े, हमको सब समुदाय के लोग तभी भी सपोर्ट किए, उसी के बल पर हिम्मत भी हम करते हैं। नहीं तो हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, नहीं हमारे पास कोई पार्टी का आशीर्वाद या कुछ है। हम लोग जिसके साथ हम एकदम समर्पित भाव से खटते हैं। आप लोग आगे का चुनाव देखे ही, किस तरह का चुनाव का रणनीति हुआ, कितने सारे लोग आए, सब गए, पप्पू यादव जी को ही देख लीजिए, चुनाव मैदान में आए, कितना मेहनत की, उतना तो हम लोग लगता है उनसे हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए।